नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नरदीप बुड़वाल और आपका स्वागत है मेरे चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग में। मारुति सुजुकी अपने एंट्री लेवल हैचबैक नेक्स्ट जनरेशन अल्टो को बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिसे 2018 के ऑटो एक्सपो में फ्यूचर एस नाम से पेश किया गया था। फ्यूचर एस एक कॉन्सेप्ट वर्जन है जो कि प्रोडक्शन वर्जन से बिल्कुल अलग होगी देखने में। मारुति सुजुकी नेक्स्ट जनरेशन अल्टो को टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर कई बार देखा गया है। अगर हम एक्सटीरियर लुक पे जाते हैं तो ये करंट मॉडल से काफ़ी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट जनरेशन अल्टो इग्निस के रियर प्रोफाइल से रिजेंबल करती है। एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट में डिजाइन की अगर हम बात करें तो रेनो की क्विड बाजी मार जाती है। उसे ही कम्पीट करने के लिए मारुति सुजुकी अल्टो का यह अवतार ला रही है। न्यू जनरेशन अल्टो को स्विफ्ट डिजायर वैगनार की तरह ही हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पे तैयार किया जाएगा, जिससे कि यह एनकैप क्रैश टेस्ट नॉर्म्स पे खरी उतरे। अगर हम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ड्यूल एयरबैग, एबीएस, ईबीडी जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड सेंसिंग वार्निंग एंड आइसोफिक्स चाइल्ड जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन अल्टो में वैगनार की तरह ही स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दी जा सकती है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगी। मौजूदा अल्टो में 800 सीसी की इंजन आती है, इसे आगे भी अपग्रेड किया जाएगा लेकिन BS6 नॉर्म के साथ, जो कि पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो मौजूदा अल्टो 2.63 लाख टू 3.9 लाख एक्स-शोरूम दिल्ली जाती है और नेक्स्ट जनरेशन अल्टो इसी के आसपास रहेगी। जहां तक इसकी लॉन्च की बात करें तो 2019 के फेस्टिव सीजन यानी दिवाली के आसपास इसे लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। ये थी दोस्तों न्यू जनरेशन अल्टो के बारे में जानकारी। अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।